सारी जमा पूंजी लगाई हुई है, अब कुछ भी नहीं है, जीरो पे खड़े हैं हम लोग। सारी की सारी चीज़ें टूट गई हैं, सामान अंदर फंसा हुआ है, बच्चे लेके घूम रहे हैं, कहाँ जाएं? गवर्नमेंट से बोला है कम से कम सामान निकाल दो, वो भी नहीं निकाल रहे। कुछ भी हेल्प कहीं से नहीं मिल पा रही। इतने छोटे बच्चे को लेके, 4 महीने का बच्चा है, कहाँ लेके कहाँ जाएं? दीवार गिरी, हस्बैंड ने बोला किसी चीज़ की आवाज़ आई है, बाहर देखा दीवार गिरी है, बस बच्चे लेके भागे हैं और कुछ नहीं कर पाए हम। जब ये सोसाइटी पास हुई है, जब असी इस सोसाइटी दे विच आए हैं तो सानू ये चीज़ दसी गई कि भी पिछों की रोड निकलूगी, इत्थे 100 एकड़ का पार्क बनूगा। यह कितना का वड्डा फ्रॉड हो सकता कि पूरी नदी के एक कलोनी वसाती कि ये कला एक ही बंदा इनवॉल्व है। तुसीं यह सोचो जिस MC ने इस घर की रजिस्ट्रियाँ करिया कि उन्होंने यह गल नहीं पता होगी या फिर उन्होंने नहीं पता होगी, जेडे पटवारी ने इन्हां दी फर्दा कट के दित्तियां। कित्थे जाइए, उन्होंने तो कहता भी घर खाली कर दो, असी कित्थे जाइए? ਅਸੀਂ तो यही सोच रहे कित्थे जाके बैठीए। असी जिहड़ा घर असी सेफ जोन च मानते सी भी असी बहुत सेफ जगह ते बैठे हैं। घर एक इहो जी जगह हुंदी है जिथे बंदा सेफ महसूस करदा, उही आपां नूं खतरे च लग रिहा। उत्थे अंदर जाण तो डर लगदा, बच्चे नूं कित्थे लैके जाइए? असी रोटी कित्थों खाइए जाके? कौन कितना क्या कर सकता है? हम तो बिल्कुल ही ऐसे खड़े हैं, ना सामान है, ना कपड़े हैं, ना कुछ है। हम सिर्फ इनको बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कम से कम हमारे कपड़े निकाल दो, जो सामान बच सकता है वो तो बचा दो। ना घर बचा है, ना कम सामान बचा है। एक आम बंदे दे बड़ा एक सुपना हुंदा है कि कमा के अपना एक घर बनावे, आशियाना बनावे, पर जदों कुदरत दी आफत आंदी है तां जदों उसदा बनाया होया एक एक पैसे नाल बनिया घर जदों वह पत्तिआं वांगू विखरदा है तां उसदे हालात देखण लायक हुंदे ने। ये तस्वीरां देख सकदे हो, खरड़ दे शिवजोत दीआं इह तस्वीरां ने जिथे कुछ दिन पहलां भारी मींह ने इस घर के जीआं उत्ते एक वड्डी आफत खड़ी की है, क्योंकि तिनका तिनका करके कहते भी तलाब भरदा है, घर बनता है, पर जदों कुदरती आफत आती है तो इस कुदरती आफत ने आम परिवार जिहड़े इत्थे रहिंदे सीगे उन्हां उत्ते एक वड्डी मुसीबत खड़ी कर दी गई है। साडे नाल इत्थे दे जिहड़े इस घर जो भी कुछ होया साडे नाल उन्हां दे मालक ने गलबात करांगे। मैडम एक कहने भी जदों कुछ भी काम करते हैं तो एक बंदे का सुपना होता भी घर बनाया जाए, पर जो घर ही जिमें थोड़ा घर पत्तिया वागू जिस तरह खिंडे है, एक नज़र भी नहीं आप देख सकते किन्ना को औखा अज देखने अखा भी भरी आदि हो, क्योंकि बंदा बड़ी मेहनत ना बनाता है। सर पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है इसमें, अब कुछ भी नहीं है, जीरो पे खड़े हैं हम लोग। सारी की सारी चीज़ें टूट गई हैं, सामान अंदर फंसा हुआ है, बच्चे लेके घूम रहे हैं, कहाँ जाएँ हम? गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कम से कम सामान निकाल दो, वो भी नहीं निकाल रहे। वो कुछ भी हेल्प कहीं से नहीं मिल पा रही। इतने छोटे बच्चे को लेके, 4 महीने का बच्चा है, कहाँ लेके कहाँ जाए? वो समय याद आता जो मेहनत करके यह घर बनाया सीगा, परिवार कट्ठे हो गए, जिन्होंने रोटी खाते हैं, पर अज रोटी खाने तो भी तुसी औखे हो चुके हो, क्योंकि घर जिहड़ा चंगी तरह पूरी तरह टुट चुके है। वो याद आता समा सर बोल मैं सारी चीज़ें अंदर जुड़ी पड़ी थी, सारी चीज़ें टूट गई हैं, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा हुआ, कहाँ जाएं क्या करें कुछ भी नहीं पता चल रहा। जदों घटना वापरी सी उदों कित्थे सीगे तुसीं सारे? हम सब ऊपर ही थे। अच्छा। दीवार गिरी, हस्बैंड ने बोला किसी चीज़ की आवाज़ आई है, बाहर देखा दीवार गिरी है, बस बच्चे लेके भागे हैं और कुछ नहीं कर पाए हम। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों को लेकर बस भागे हैं और कुछ नहीं कर पाए। कितना नुकसान होया मैडम? कुछ भी नहीं बचा, आपके सामने है, कुछ भी नहीं बचा, आप खुद देख लो। अच्छा, जिस तरह इत्थे तस्वीरां देखने को मिल रही सी, नहरी एरिया सीगा, नहरी एरिया दे एरिया विच होण दे बावजूद इत्थे घर बनाया गया। सवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी उठ रहा है, बिल्डरां ते भी लगातार उठ रहा है, क्योंकि जो ये चीज़ां भेजते हैं। मैम तुसीं इस उत्ते की कुछ कहोगे? सर ऐसी बात है कि यहाँ पर ये चविर्द दीवारी की हुई थी, चारों तरफ दीवार है, यहाँ पे कोई नदी का नामो निशान नहीं था। ठीक है, यहाँ से आप गेट दूसरी तरफ देखोगे तो एक गेट है, गेट से पास बोलते हैं कि रास्ता निकलेगा जो मुल्लापुर को कनेक्ट होगा। ठीक है, और पीछे बोलते हैं कि एक पार्क बनेगा। ये कॉलोनी 2012 से पहले की कटी हुई है, कोई नई नहीं है, पुरानी कटी थी। बाकी जब देखो लोन लेके बंदा बनाता है, सारे कागज़ निकलते हैं, सब कुछ लेते हैं हम लोगों से। 13 साला निकली, फर्दे निकली, तभी हमारे को लोन मिले, तभी बनाया। तो कागज़ पक्के थे, कॉलोनी पक्की थी, अब पानी आया है पीछे से, अब ये तो प्रशासन देखे कि किसकी गलती है क्या है, पर हमारे को कम से कम अभी मुआवजा टाइमली दिया जाए, सब कुछ किया जाए। चौथा दिन है, अभी तक कुछ एड नहीं मिली है हमें। हमें खुद खरीद के कपड़े लाने पड़ रहे हैं, सब कुछ अंदर है लेकिन कोई हेल्प करने को नहीं आगे आ रहा। गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं आ रही, एटलीस्ट हमारा बचा कुचा सामान निकाल दें, कुछ भी करके निकाल दें, क्योंकि पीछे का है अभी बचा हुआ, लेकिन कोई हेल्प नहीं आ रही है। इत्थे कई लीडर भी पहुंचे ने, सुनील जाखड़ आम आदमी पार्टी के इत्थे विधायक भी पहुंचे ने, इत्थे लगातार पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं असं मदद करांगे, पर हुण तां मींह भी हट चुकिया, पानी भी इत्थों निकल चुकिया है। कोई आ रहा है इत्थे? सर कोई भी नहीं आकर, सब बोल के जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। आने वाले तो बहुत आए हैं, अभी आए हैं चले गए, आश्वासन ही आया है अभी तक। कहने के नाम पे एक पानी की बोतल होती है ना कि हम विपदा है इस टाइम की, मींह पड़ रहा है या कुछ देना है, कुछ नहीं किसी ने दिया। सिर्फ जो अपने कॉलोनी वाले इकट्ठे होके जो लगे हैं, खाना पीना खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। पड़ोसी हैं ऊपर से रुके हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। चोरी पीछे से होती जा रही है, पीछे से टूट गया है, लोग आ के सामान निकाल के जा रहे हैं। तुसीं ये पहला मासूम बच्चे देख सकते हो, माँ बाप ने जो कहते माँ बाप जोड़े होंगे ने अपने बच्चों लिए घर बनाते हैं, तो जदों यह घर ही टुट जाए तो आने वाली पीढ़ी लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आ तस्वीर तुसीं इस वक्त इस घर की देख सकते हो, जो बड़ी मेहनत नाल बड़े लगन दे नाल घर बनाया सीगा। कितना किते जिमें बिल्डर तो चीज़ लत्ती जाती है, ये इस इन्हों के भी कहना भी कितना कितना फ्रॉड भी होया है। ये तस्वीर देख सकते हो जो कि 2 दिन पहला आए भारी बारिश ने इस मकान नूं पूरी तरह तोड़ दिता है। आ जिहड़ी कंध सीगी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पक्की कंध बनाई गई सी, पर पानी का बहाव इन्ना क तेज़ सी कि इस घर दी जिहड़ी जड़ां है वो पूरियां तक पुट दित्तियां गईयां। साडे नाल महल्ला वासी भी मौजूद ने। सर साहब, इस परिवार के लिए अज जिन्हों कह रही एक बहुत मंदभागा दिन है, क्योंकि बड़ी मेहनत नाल घर बनाया पर अज ये बेघर। एक शब्द बेघर बड़ा सौखा हुंदा कहना, पर जिस ते बीतदी है ओह ही जानदा है। किस तरह दे दूँ जी? सर देखो, असी तो सारे यही कहेंगे कि भाई सारे कहते हैं ना कि भी बाहर चल जाओ, बाहर बहुत सौखा है, बहुत वधिया जिंदगी है, ठीक है। तो असी उस वेले यही कहते सी, नहीं यार साडा देश आ, साडा पंजाब आ बहुत वधिया। असी तो हमेशा एप्रीशिएट करते सी। असी तो अज भी वो दिन याद ने, दिन की मतलब हाले कुछ दिन पहला दी गल है कि जो भगवंत मान साहब कहते सी असी बिल माफ़ कर दिता, तो असी बड़े खुश कि बड़ी बहुत वधिया सरकार है, साडे लिए कुछ करूगी। बट उदों दुख होंदा है कि जब इन्हां दे सिर ते छत्त तक नहीं हैगी, कुछ भी नहीं हैगा। ये जिहड़े आम बंदे कहंदे ने, तो सानूं तो आम बंदे जिहड़े ओह ने, जिहड़े साडे महल्ले दे बंदे ने, जिहड़े गुआंढी ने, है ना, ये गुआंढियां ने इन्हां दी इन्नी मदद कीती है। सिर ते अगर छत्त नहीं सी, छत्त दित्ती है रहण नूं, उस तों बाद रोटी दित्ती है। घट्टो घट्ट इन्ना तो होंदा, ये बंदे इन्ना ही आके कह दिंदे कि जल भी तूं ना ते ना पानी दी बोतल या फिर कुछ खाण नूं एक टाइम तां भेज दिंदे। उन्होंने भेजने का की सी, होर ही उल्टियां गल्लां करते हैं। कहते जी कोई किसी ने फोन करो, सारे आके गए ने, वो कहता जी मैं पानी विच तैर के आया, कोई कहता जी मैं उत्थों आया। इवें बहुत अपने अपने दुख तो सारे दस रहे हैं, बट इन्हां दा दुख कौन सुनूगा? तुसी ये चीज़ सोचो, जब ये सोसायटी पास हुई आ, जब असी इस सोसायटी दे विच आए आ, तो सानूं ये चीज़ दसी गई कि भी पिछों दी रोड निकलूगी, इत्थे 100 एकड़ का पार्क बनूगा। यह कितना का वड्डा फ्रॉड हो सकता कि पूरी नदी दे विच एक कॉलोनी वसाती, कि ये दे विच कल्ला एक बंदा इन्वॉल्व है। तुसी ये सोचो, जिस MC ने इस घर की रजिस्ट्रियां करियां, कि उन्होंने ये गल नहीं पता होगी, या फिर उन्होंने नहीं पता होगी जिहड़े पटवारी ने इन्हां दी फर्दा कट के दित्तियां, जां पटवारी नूं नहीं पता सी कि बेटा इत्थे मकान नाल है, इत्थे तो बाद नदी बन जानी है, जां इस ये गल उन्होंने नहीं पता सी जिन्हें साडा नक्शा पास कीता सी। ये गल्लां सारिआं नूं पता सी, बट किसी ने अवेयर नहीं कीता। असी फीसां दित्तियां, असी नक्शे दी फीस ना दित्ती होवे तां साडा नक्शा नहीं पास हुंदा, असी जे रजिस्ट्री दी फीस ना दित्ती होवे साडी रजिस्ट्री नहीं हुंदी। असी हर चीज़ दा पैसा दित्ता। भगवंत मान साहब कहंदे सी कि भी असी हर चीज़ ते टैक्स दिंदे आ, असी मंजा लैंदे आ तां टैक्स दिंदे, असी कापियां किताबां लैंदे तां टैक्स दिंदे आ, असी पैन पेंसिल लेंदे तां टैक्स लेंदा, गरीब बंदा तो हर चीज़ से टैक्स दिंदा। असी इन्ना कहते भगवंत मान साहब इन्हों का जिन्ना टैक्स इकट्ठा होया सी, हाले तक कॉपियां पेंसिलां जिन्नियां लईयां सी इन्होंने टैक्स दिता, जिन्ना GST दिता सी, घट्टो घट्ट उन्ना का इकट्ठा करके दे दो, इन्हां दी जिंदगी बदल जाऊगी। लेकिन नहीं, अज देख लो तुसीं हालात, इन्हां हालातों में कोई किवें रहूगा? सानूं आके कह गए आ साडे मकान ने, कहंदे रैड जोन ते ने, ये खाली कर दो। खाली तो कर दीए, बट रोटी कितों खावांगे जे खाली करते? रहांगे कित्थे असीं? किहदे घर ते रहिए? ना सानूं गौरमेंट ने कोई मकान दिता रहन नूं, ना सानूं कुछ खाण नूं, ना साडा पक्का कोई रोजगार। असीं डेली काम करना वा, फिर डेली खाना है। उस तो बाद साड़ियाँ किस्तां आके सिर च खड़ जांदियां। एक दिन किस्त ना दो, अज एक महीने की किस्त ना देवांगे, 15,000 किस्त अगले महीने 30,000 हो जानी है, फिर उसदे उत्ते तुसीं टैक्स ला देने, फिर सिबल भी ला देना वा। सारिया चीज़ा साडे लई हैगियां, कुछ आम बंदे लिए कुछ जरूरत वाली चीज़ा भी करनी जरूरी है। मेरे हिसाब ना कि इत्थे किते ना किते सरकार नूं जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि किसी बंदे दी गल सुन के आना चाहिए। इत्थे सरकार नूं खुद आके इन्हां दे हालात देखने चाहिए, साडे हालात देखने चाहिए, सोसाइटी दे हालात देखने चाहिए कि आखिर एक आम बंदा किन्ना किन्ना मुसीबतां तो गुजर रहा। खाली इत्थों इन्ना करके आके कह दो कि भी तुसीं साडे घर रह लो, नहीं सरकार दिंदी। तुसीं इंसानियत दे नाते इन्हां नूं अपने घर एक वक्त की रोटी भी दे दोगे, इन्ने च भी बड़े खुश हो जाएंगे, कह देंगे नहीं ये सरकार बहुत चंगी, बट तुसीं कुछ किया ही नहीं, आगे पिछों मुड़ के चले गए। सर साहब जो ये कलोनी पास हुई, जो घर लत्ते, किसी ने दस्सिया नहीं कि यह नहरी एरिया है? कलोनी पास हुई है सर ना, पहला इन्हां दा घर सीगा, साडा घर हैगा सीगा वो अगे वाला, तो 15-15 फुट की दीवार जी हैगी सी वो सूँ दिखाई गई सी, पक्की बाउंड्री दिखाई गई सी। ये पिछे की है सूँ पता ही नहीं कि ये पिछे नदी है, सूँ तो नहीं पता है दीवार सामने है। ये 15 फुट की दीवार जी इतने तक हैगी है, और सूँ वजह से हुआ है, ये बराबर थी, ये जगह बराबर थी। अच्छा। 15 फुट की दीवार अंदरों देखने तो इदा लगता है बहुत वधिया सोसाइटी है गया आप, तो सानू ये नहीं पता है आप नदी च साडी सोसाइटी कट के दी है। प्लस इतने लाइट हैगी है, उस तो बाद सीवरेज हैगा, सारा कुछ सरकारी जोड़ा भी मिलना चाहिए, सब कुछ है, नक्शा पास सारा कुछ सरकार के मुताबिक है, सब कुछ है, सरकारी होया उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी हैगी है। अगर नुकसान होया तो उन्होंने आना चाहिए, कोई भी नहीं आया। मैडम इतने होर भी मिलन निवासी ने मैम पी डबल्यू डी ने कहते चेतावनी दी है, जिहड़े घरां तुसीं रह रहे हो भी जल्दी खाली करो। ये किस तरह इस चीज़ नूं किस तरह देखो कि ये सल्यूशन की जगह सरकार तुहाडे ते सम कि होर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? कित्थे जाइए, उन्होंने तो कहता भी घर खाली कर दो, असी कित्थे जाइए? असी तो यही सोच रहे कित्थे जाके बैठीए। असी जिहड़ा घर असी सेफ जोन च मानते सी भी असी बहुत सेफ जगह ते बैठे हां, घर एक इहो जी जगह हुंदी है जिथे बंदा सेफ महसूस करदा, उही आपां नूं खतरे च लग रिहा, उत्थे अंदर जाण तो डर लगदा। बच्चे नूं कित्थे लैके जाइए असी, रोटी कित्थों खाइए? जाके मंग के खाइए, कोई आके पुछदा भी नहीं है तुसीं जाके बैठे कित्थे हो। कोई एक बार तो बोलन भी हाँ तुहाडा सेफ जोन च नहीं है, तुहानूं जगह दिन्ने आ, नहीं जी एक बार कह के खाली कर दो, कित्थे जाओ वो नहीं दस्सिया। अज ही दस्सिया इन्हां ने भी ये रेड जोन दे विच है। हाँ जी, अज आके दस रहे ने, जदों ये सब हो गया, सब टुट गया, इदां देख रहे भी उधरों नदी आ रही है, तो उदों दस रहे ने भी ये जगह रेड जोन च आ गई है, इनू खाली कर दो, कहंदे तुहाडे घर सेफ नहीं हैगे, कहंदे ये कहंदे अनसेफ जोन च आ गए। तां इह बच्चा भी रो रहा है जे दसीए तो पहले इसनूं सेफ जोन कहा जाता सीगा, पर अज ये रेड जोन दे विच, ये आफता तो बाद रेड जोन दे विच आ गया। जिहड़े लोग घरां विच सीगे सरकार ने गल कहती है कि घरों तो बाहर निकल जाओ। मैडम बड़ा औखा हुंदा है इस चीज़ नूं देखा जाए, क्योंकि बंदा बड़े सुपने लैके चीज़ां तैयार करता है, जिन्हों कहते एक घर जिहड़ी महिला हुंदी है वो घर नूं बनांदी है, पर जदों सामने वाला बंदा के ये गल कह दे भी खाली कर दो क्योंकि तुहाडा घर रेड जोन दे विच है, अगे प्रॉब्लम आऊगी, फिर आखिरकार आम बंदा जावे तो जावे कित्थे? वही गल आ गई ना, एक एक चीज़ आपां किन्ने सुपने नाल लैके आने। हाँ जी, घर विच बना लो, वो बना लो, जो आके कह देन खाली कर दो, की चुकी है आपां घर विच तां 100 तरह की चीज़ हुंदी आ, सिर्फ खाण पीण की चुकी है, सिर्फ खाण पीण वाले कपड़े चुकी है, की चुकी है, कपड़े पाने आपां ने, खाना पीना भी आ, 100 तरह की नीड्स हुंदियां नेगियां, की करिए कित्थे जाइए असीं? कोई जगह तां दस्सो सानूं, आके कहता अनसेफ जोन आ। तां मैडम अज ये चीज़ इतने घटना वापरी हुई है, इन्हों भी एक नोटिस जारी हो गया है, सरकार ने हूँ अज इसी एरिए रेड जोन डिकलेयर किया। कहते भी एक शब्द बड़ा सौखा होंगे बेघर कहना, हर ही कोई आंदा है यही गल कहता भी बेघर हो गए, पर जिस दे उत्ते बीतदी है थोड़े ते ये बीती अज ये चीज़ सुनने भी मिल रही है, क्योंकि अज रोटी बनाने तुम मजबूर हो, रोटी भी नहीं घर च बन रही, बच्चा भी छोटा है, खर्चे भी ने, उत्तों ये जी कहने ये नवा खर्चा छिड़ चुका है, जब पै चुके हैं, किन्ना घर दे विच हुण स्थिति किस तरह? सर स्थिति क्या बताऊँ कि अब बच्चे को दूध देना है, किसी और के घर में रह रहे हैं, कहीं पर क्या चीज़ क्या क्या मांग सकते हैं हम, कौन कितना क्या कर सकता है? हम तो बिल्कुल ही ऐसे खड़े हैं, ना सामान है, ना कपड़े हैं, ना कुछ है। हम सिर्फ इनको बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कम से कम हमारे कपड़े निकाल दो, जो सामान बच सकता है वो तो बचा दो, ना घर बचा है, ना कम सामान बचा है। सामान को कम से कम लोग आके चोरियां करके जा रहे हैं, जो बचा कुछ है हम अब डर के मारे नहीं जा रहे, क्योंकि घर कभी भी गिर जाएगा, इंसान से बड़ा तो और कुछ है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें तो बचा दो जो बच सकती है। सरकार बोली जा रही है लेकिन कोई आकर इधर कुछ हेल्प नहीं कर रहा। तीसरा दिन हो गया है हम लोगों को इस चीज़ को लेकर, हाले भी कोई नहीं हेल्प नहीं है। हम देखो पड़ोसी हेल्प करेंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन कितनी मदद करवा लेंगे, ये तो उनकी है। सामने वाले कितना मदद कर सकता है, सामने वाले कर रहे हैं, लेकिन जिनकी मेन जरूरत है कि हमें चलो आसरा दे दिया इन्होंने, कितने दिन रह लेंगे, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आगे क्या करेंगे हम तो क्या कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हालातों से तो काफ़ी सरकार कोई ना तरस कर रही है, खुद नूं देख के भी एक तरह जिन्होंने कहते एक महिला के तौर पर, बच्चे भी हाथ के विच आ, छोटा जवाक है, गुस्सा भी आता होगा कितना कितने, क्योंकि सरकारां ये कुछ ना पहला दस्या, रेड जोन डिक्लेयर करता, होर घरां नूं भी खाली करन दा कहता, जिन्होंने कहते भी होर घरां नूं भी कहता तुसीं बेघर हो जाओ। एक तरह सर हमारा दिमाग ख़राब हुई है, अगर ऐसा कुछ होता तो हम इतना पैसा लगा के घर क्यों बनाते हैं। किस्तें चल रही हैं, लोन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हमें तो अब घर टूट गया है, किस्त तो जाएगी, क्या करें हम, हमारे रहने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, क्या करें, बच्चे लेके कहाँ भटकेंगे। तो अखां दे विच हंझू ये दर्शाते हैं कि किन्नी हुण ये मुसीबत दे विच आ चुके ने। सरकार लगातार इत्थे जिहड़े लीडर ने वो इत्थे पहुँच रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं कि असीं मदद करांगे, हर एक कोई लीडर इत्थे लगातार पहुँचदा, पर मदद के नाम पर जिन्होंने कहने भी गुमराह ही किया जा रहा है। एक्शन जिहड़ा हाल तक नहीं इत्थे लिया गया, क्योंकि लगातार सरकारां यही कहंदियां ने भी असीं जल्द एक्शन लवांगे, पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी ये सवाल उठ रहे हैं। PWD ने आके इसी घरां नूं, इसी कलोनी नूं ये गल आके कहती है कि उन्हें मकान खाली कर दो। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि जिहड़े आम जनता है, जिन्होंने आम लोग कहते हैं, वो जान तो कित्थे जान, क्या सरकारां इन्हां दी मदद करनगियां या फिर नहीं। मोहाली तो अभिशेक मनरो की रिपोर्ट, पंजाब तक।